ईरान को पहला सबक मिल गया। नेतन्याहू ने अपनी कसम पूरी कर दी। इज़राइल के निशाने पर ईरान आ ही गया। सीधे हमले से पहले खतरनाक साइबर अटैक। ईरान पर इज़राइल का पहला अटैक। सिर्फ 12 दिन पहले की ये तस्वीरें हैं, जब दुनिया को चौंकाते हुए ईरान ने इज़राइल पर धावा बोल दिया था। अपनी सरजमी से ईरान ने 10-20 नहीं पूरी 200 मिसाइल्स इज़राइल को निशाना बनाकर दागी थी। इस मिसाइल हमले की डराने वाली तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। ईरान ने इसको हिजबुल्ला चीफ की मौत का पहला बदला बताया था। इस मिसाइल हमले से इज़राइल को काफी नुकसान पहुंचा था। खामेनेई ने इस हमले के बाद दम भरा था कि यह आखिरी हमला नहीं है और दोबारा भी इज़राइल पर हमला किया जा सकता है, लेकिन खामेनेई को अब इज़राइल ने दे दिया है सटीक जवाब। इज़राइल ने ईरान पर सबसे खतरनाक साइबर अटैक किया है, ऐसा हमला जो इज़राइल के एक्सपर्ट्स ने नेतन्याहू के कहने पर अपने ही मुल्क में बैठकर अंजाम दिया और ईरान की कमर तोड़ कर रख दी। ईरान का पूरा सिस्टम इस साइबर अटैक की जद में आ गया। खबरों में कहा गया है कि ईरान की सरकार और न्यूक्लियर ठिकानों पर सबसे बड़ा साइबर अटैक हुआ है। इसके जरिए इज़राइल ने कई अहम जानकारियां चुरा ली। ईरान के सुप्रीम काउंसिल ऑफ साइबर स्पेस के पूर्व सचिव फिरोज आबादी के हवाले से कहा गया है, इस साइबर अटैक की जद में ईरान सरकार की तीनों शाखाएं न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका चपेट में आई। किन किन संस्थानों पर हमला हुआ उसकी फेहरिस्त बताती है कि ईरान को चोट कितनी गहरी हुई होगी। इस साइबर अटैक की चपेट में न्यूक्लियर पावर प्लांट, बंदरगाह, परिवहन नेटवर्क, ईंधन वितरण सिस्टम, नगर पालिका नेटवर्क तक आ गया। कोई भी रियल वॉर भी साइबर वॉर के साथ हो रही होती है, चाहे वो इसराइल के ऊपर मिसाइल अटैक हो, उससे पहले भी कोई साइबर अटैक हुआ होगा जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन लीक होती है और उसकी वजह से ये फिजिकल अटैक सक्सेसफुल होता है। उसी तरीके से चाहे वो मिसाइल के द्वारा किसी को मारा जाए, उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना और डिवाइसेस के ही थ्रू निकल सकती हैं, हैक करना या सर्वर के थ्रू निकालना, इस प्रोसेस में साइबर स्पेस टेक्नोलॉजी ही इस्तेमाल होती है। तुर्कमेनिस्तान में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान एक तरफ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से दोस्ती बढ़ा रहे थे तो दूसरी तरफ इज़राइल तेहरान में साइबर अटैक को अंजाम दे रहा था। इज़राइल ने पहले ही यह धमकी दी थी कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला बोलकर बड़ी गलती की है और उसको इसकी कीमत चुकानी होगी। नेतन्याहू की वो चेतावनी सुनिए जो उन्होंने ईरान को दी थी। इज़राइल के प्रधानमंत्री ने कहा था और डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हमारा अटैक जो होगा सरप्राइज होगा, बड़ा प्रिसाइज होगा और बड़ा घातक होगा। वास्तव में ये सब चीजें साफ तौर पर नजर आती है। आपको अगर याद होगा तो कुछ साल पहले स्टुकनेक्स के माध्यम से इसी माफी का न्यूक्लियर अटैक हुआ था, उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जिसमें 1/5 ऑफ दी सेंट्रीफ्यूजेस थे वो बर्बाद हो गए थे, 200,000 कंप्यूटर्स थे उनमें बम आ गया था और 1,000 मशीन्स डिग्रेड हो गई थी। ये हमला जो है कंकरेंटली सारे के सारे गवर्नमेंट की एजेंसी ब्रांचेस के ऊपर, उनके फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम के ऊपर और न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर हुआ है, जिससे कंट्री में कंप्लीटली इस समय क्योस एंड कंफ्यूजन है। आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत भी नहीं कर सकते। इसराइल ने अपनी धमकी को सही साबित कर दिया। अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों और तेल ठिकानों को निशाना नहीं बनाने की चेतावनी इसराइल को दे रहा था। इसराइल ने भी सीधा हमला नहीं बोला, लेकिन साइबर अटैक के जरिए ईरान को करारा जवाब दे दिया। ये ईरान पर इसराइल का पहला हमला है। देखना होगा कि दूसरा हमला कब होता है। हाइफा इसराइल से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। बहुत बड़े साइबर अटैक की खबर है। खबर यह है कि उसका जो परमाणु इंफ्रास्ट्रक्चर है, न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर,
उसको टारगेट किया गया है एक साइबर अटैक से। और उसके अलावा जो ईरान में एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर और जुडिशरी यानी जो उनकी न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, जो उनकी सरकार है और जो उनकी संसद है, बहुत बड़ा हमला उन पर एक साइबर अटैक हुआ है और बहुत सा डेटा निकाल लिया गया है, कॉम्प्रोमाइज हुआ है। इसकी औपचारिक पुष्टि ईरान ने अभी नहीं की है, लेकिन इसराइल की मीडिया के मुताबिक एक बहुत बड़ा ये साइबर अटैक है और ये इस तरह का पहला साइबर अटैक ईरान पर नहीं हुआ है। अगस्त के महीने में रिपोर्ट छपी थी कि ईरान के बैंकिंग सिस्टम पर बहुत जबरदस्त हमला हुआ था और बैंकों का बहुत सा डेटा, कर्जदार कितने, लोन कितना, लोग कितने, कितना बैंकों में पैसा है, ये बहुत सारी जानकारी एक साइबर अटैक में निकल गई थी। उसे एक ट्रोजन अटैक का उस समय कहा गया था। हालांकि इसराइल ने वो बात भी नहीं मानी थी, लेकिन ईरान में यही कहा गया कि अमेरिका और इसराइल ईरान में भय का वातावरण पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और बैंकिंग प्रणाली को इम्पैक्ट कर रहे हैं, उस पर प्रहार कर रहे हैं। कुछ समय तक बैंकों ने लोगों को पैसा देना बंद कर दिया था जब तक पूरी व्यवस्था को फिर से उन्होंने सुनियोजित नहीं कर लिया। ईरान में जो इन्फ्लेशन है वो 40% के पार जा चुका है, बहुत सा डेटा लोगों का कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, लेकिन क्या ये इसराइल की तरफ से 181 रॉकेट और मिसाइलें जो ईरान ने दागी थी 1 अक्टूबर को, उसकी जवाबी कार्रवाई का पहला चरण है? क्योंकि साइबर स्पेस में जो वॉरफेयर है, जो मल्टी डोमेन वॉरफेयर कहते हैं, मल्टी डोमेन वॉरफेयर में साइबर स्पेस और साइबर अटैक्स एक बहुत बड़ा हथियार माना जाता है कि किसी देश को आप घुटनों पर ला सकते हैं, वहां की पूरी अर्थव्यवस्था और जो कानून व्यवस्था है उसको आप प्रभावित कर सकते हैं बिना एक भी गोली दागे या एक भी मिसाइल या रॉकेट फायर किए बिना। लेकिन इसराइल के बारे में कहा यह जा रहा है कि अमेरिका के साथ मिलकर एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत इसराइल आगे बढ़ रहा है। अप्रैल 2024, इसी साल अप्रैल के महीने में पहली बार ईरान और इसराइल आमने सामने आए थे जब ईरान ने इसराइल पर बड़ा मिसाइल हमला बोला था। ईरान ने एक के बाद एक मिसाइलें इसराइल पर दागी थी। कुल मिलाकर कुछ मिनटों के फासले में ईरान ने इसराइल पर 100 बैलिस्टिक और 30 क्रूज मिसाइलें दागी थी। अक्टूबर 2024 और ये दूसरा मिसाइल हमला है जो इसी महीने के पहले दिन ईरान ने किया था। इस बार ईरान ने 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। इन दोनों हमलों ने इसराइल के गुस्से को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया और ईरान और इसराइल के बीच बरसों नहीं दशकों से चल रही अदावत को और बढ़ा दिया। और इसके बाद से इसराइल और नेतन्याहू ने ईरान को सबक सिखाने की ठान ली। जवाब देना जरूरी था क्योंकि ईरान ने साफ धमकी दी थी कि वो और भी हमले करेगा। ऐसे में इसराइल ने साइबर अटैक का रास्ता चुना जो किसी भी जमीनी हमले से ज्यादा खतरनाक होता है। इसराइल आखिर इतने गुस्से में क्यों है? वजह है ईरान की हरकतें। ईरान पर आरोप लगा है कि वो इसराइल के लोगों को उनके ही मुल्क के खिलाफ भड़का रहा है और ईरान के बहकावे में आकर कुछ इसराइली अपनी ही पुलिस और सुरक्षा बलों को निशाना बनाने से भी बाज नहीं आ रहे। ईरान, the head of this octopus of proxy of terror, the axis of evil, they're trying to reach Israelis inside of Israel. And trying to manipulate them into committing attacks, into assisting them with information to harm our security. The Israel police is also arresting those people who are involved, whether knowingly or not knowingly. We have an eye on these, and we're doing everything possible, things that the public don't even know, to defend our civilians. ऐसा भी नहीं है कि इजराइल ने ईरान पर पहली बार साइबर अटैक किया हो। इजराइल ऐसे हमलों का माहिर माना जाता है। उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद ऐसे कई हमले पहले भी करा चुकी है और दुश्मन को माकूल जवाब दे चुकी है। 14 साल के भीतर ऐसे कई हमले हुए जिनका आरोप इसराइल पर लगा है। जून 2010 में इसराइल के स्टक्सनेट वायरस ने ईरान के बुशहर में मौजूद परमाणु संयंत्र के कंप्यूटरों पर हमला किया था। 30,000 कंप्यूटरों पर असर पड़ा, आरोप इसराइल पर लगा। अप्रैल 2011 में स्टार्स नाम के वायरर के जरिए ईरानी परमाणु केंद्रों में घुसपैठ की गई। नवंबर 2011 में ईरान को पता चला कि ड्यूक नाम का नया वायरस नुकसान पहुंचा रहा है। मकसद था ईरान के परमाणु केंद्रों को निशाना बनाना। अप्रैल 2012 में ईरान ने वाइपर नामक मैलवेयर का पता लगाया
मई 2012 में ईरान ने दावा किया कि फ्लेम नामक वायरस ने सरकारी कंप्यूटरों से सरकारी डाटा चुराने की कोशिश की। आरोप फिर इसराइल पर लगा। साफ है कि इसराइल ने एक बार फिर ईरान के प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया है, वो भी बिना ईरान में घुसे या घातक हथियारों का इस्तेमाल किए बगैर। हाइफा से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। इसराइल के भीषण हमले जारी। धुआं धुआं बेरूत, रह रह कर धमाके। यूएन के दफ्तर पर भी बम बरसे। इसराइल की बमबारी, भारत फिक्रमंद। इसराइल की भीषण बमबारी रुकने का नाम नहीं ले रही। बेरूत के हर उस ठिकाने पर हमला हो रहा है जहां पर हिजबुल्ला के लड़ाकों के छिपे होने का शक है। इसराइल अपनी खुफिया खबरों के बाद चुन चुन कर इमारतों को निशाना बना रहा है। यहां तक कि इसराइल लेबनान बॉर्डर पर तैनात संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन का मुख्यालय भी हमलों की चपेट में आ गया। ये उसी की तस्वीरें हैं। मुख्यालय और आसपास के इलाकों में इसराइल की तरफ से कई हमले हुए जिनमें दो शांति सैनिक जख्मी हो गए। यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान के तहत भारतीय सैनिक भी वहां तैनात हैं। भारत ने इन हमलों पर चिंता जताई है। इसराइल के हमलों के दौरान दो इटली के बेस भी गोलीबारी की चपेट में आए हैं। इसराइल और लेबनान के बीच 120 किलोमीटर लंबी सीमा है जिसे ब्लू लाइन कहते हैं। इस पर रह रहकर हमले हो रहे हैं। इसराइल ने बेरूत पर लगातार बमबारी की है। इसराइल के निशाने पर हिजबुल्ला का कम्युनिकेशन चीफ वाकिफ सफा था। भीषण बमबारी में हिजबुल्ला का आतंकी तो बच गया लेकिन 22 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। तिलमिलाए हिजबुल्ला ने उत्तरी इसराइल पर 25 रॉकेट दाग कर बता दिया कि वो भी झुकने वाला नहीं है। इसराइल इस समय अपने 7 दुश्मनों से एक साथ मोर्चा लिए हुए है लेकिन फिर भी इसराइल अपनी जीत का दावा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।